विधानसभा चुनाव की वोटिंग अभी शुरू भी नहीं हुई है कि प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल यादव के सपने टूटते दिखाई दे रहे हैं। दरअसल लखनऊ में करीब एक सप्ताह की राजनीतिक गहमागहमी के बीच गुन्नौर विधानसभा के लिए पूर्व विधायक राम खिलाड़ी सिंह यादव को सपा ने चौथी बार अपना प्रत्याशी घोषित किया है। इससे पूर्व शिवपाल यादव के यहां से चुनाव लड़ने की चर्चा जोरों पर थी। माना जा रहा था ये सीट गठबंधन के लिए दे दी गई है, तब यहां के समीकरण बदले बदले से नजर आ रहे थे, लेकिन मंगलवार को पार्टी की ओर से गुन्नौर सीट को लेकर फैसला कर दिया गया। अब राम खिलाड़ी सिंह यादव ही भाजपा के अजीत कुमार राजू यादव के सामने सपा के उम्मीदवार होंगे। शिवपाल सिंह यादव तब से गुन्नौर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे, जबकि उनकी सपा से गठबंधन की बात भी नहीं चली थी। उस समय शिवपाल सिंह यादव सपा उम्मीदवार के सामने गुन्नौर से चुनाव लड़ने को तैयार थे। पार्टी की जिला इकाई को अपनी मंशा बताने के बाद 3-4 महीने पहले शिवपाल सिंह यादव ने गुन्नौर का 3 दिवसीय दौरा कर हालत का जायजा लेते हुए कार्यकर्ताओं और समर्थकों की नब्ज भी टटोली थी। इसके बाद प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन हुआ, तब भी शिवपाल सिंह यादव ने जनपद के प्रसपा नेताओं से साफ कहा था कि गठबंधन में गुन्नौर सीट उन्हें मिलेगी और वो गुन्नौर सीट से ही चुनाव लड़ेंगे। इस हालत में प्रसपा के नेता गुन्नौर में शिवपाल सिंह यादव के चुनाव की तैयारियों में जुटे थे, लेकिन अब हर जगह निराशा है। अब प्रसपा के नेताओं ने शिवपाल सिंह यादव से संपर्क कर गुन्नौर सीट पर सपा द्वारा अपना उम्मीदवार उतारने की जानकारी दी, तो शिवपाल सिंह यादव ने भी जवाब में यही कहा कि हाँ, अब मैं गुन्नौर से चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ। अचानक बदले घटनाक्रम से शिवपाल सिंह यादव के चुनाव की तैयारियों में जुटे प्रसपा के नेताओं को झटका लगा है। प्रसपा जिला अध्यक्ष कैप्टन सर्वेश यादव ने कहा कि बदले हालत को लेकर खुद शिवपाल सिंह यादव भी मायूस नजर आए। सपा ने जिसे चुनाव मैदान में उतारा है उसका समर्थन करने को लोग तैयार नहीं है। सपा अध्यक्ष से यही कहा जा रहा है कि वो या तो खुद लड़े या परिवार के किसी सदस्य को यहां से चुनाव लड़ाए। भले ही समाजवादी पार्टी ने गुन्नौर विधानसभा सीट पर राम खिलाड़ी यादव को अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है, लेकिन गुन्नौर से खुद सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के चुनाव मैदान में उतरने की भी चर्चा हो रही है। इससे पहले मुलायम सिंह यादव भी गुन्नौर से चुनाव लड़े थे और रिकॉर्ड वोट से जीत दर्ज कराई थी।